क्या तुम जानते हो, कुछ हैबिट्स हमें लाइफ में बहुत आगे पहुंचा सकती हैं, पर कुछ हैबिट हमारे लाइफ को बर्बाद कर सकती हैं। इसीलिए दोस्त, आज मैं तुम्हें ऐसे 5 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें एक सक्सेसफुल इंसान बना देगी। मतलब कि अगर तुम इन हैबिट्स को फॉलो करते हो ना, तो तुम अपने गोल को ना इजीली अचीव कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्त, मिलके जानते हैं कि ये हैबिट्स क्या हैं। भाई, क्या तुमने कभी खुद को शाबाशी दिया है? क्या नहीं? अगर नहीं तो भाई सोचो जरा, अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें प्यार कैसे करेगा? अगर तुम खुद के प्रति दयालु नहीं होगे तो कोई और तुम्हारे प्रति दयालु क्यों होगा? अगर दोस्त तुम खुद को सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें सपोर्ट क्यों करेगा? जरा सोचो। इसलिए दोस्त, यू हैव टू बी योर बेस्ट सपोर्टर। तुम्हें अपने आप का सबसे अच्छा सपोर्टर बनना पड़ेगा। दोस्त, चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, चाहे दोस्त तुम कितना भी बुरा फील क्यों ना कर रहे हो, तो कभी भी अपने आप को अकेला मत छोड़ना। हर एक सिचुएशन में खुद को सपोर्ट जरूर करना। तुम हर एक अच्छे काम के बाद खुद को शाबाशी जरूर देना। दोस्त, आपने दशरथ मांझी के बारे में सुना होगा। पहाड़ के बीचों बीच उन्होंने रास्ता बना दिया, पर वो कैसे कर पाए? उनके साथ कोई खड़ा नहीं था, वो अकेले थे, पर उन्होंने खुद को सपोर्ट किया, अपने आप को सपोर्ट किया और अपना गोल को उन्होंने अचीव कर लिया। जब दोस्त कॉन्फिडेंटली तुम खुद को सपोर्ट करोगे ना, तो तुम्हारे आसपास के 4 लोग जरूर आएंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इसलिए ना दोस्त, हमारा जो पहला हैबिट रहेगा वो ये है कि तुम अपना सबसे अच्छा सपोर्टर बनो। बी योर बेस्ट सपोर्टर। लाइफ में ना दोस्त, हम सब अपना अपना गोल सेट करते हैं और उस गोल को पाने के लिए बहुत सारा मेहनत भी करते हैं। और कुछ लोग ना दोस्त अपना गोल को ईजिली पा लेते हैं, पर कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी अपना गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्या दोस्त आपने कभी सोचा है कि हमारे इतने मेहनत के बाद भी हम अपने गोल को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? हमारा जो प्रिपरेशन है, हमारा जो तैयारी है, उसमें ऐसा क्या कमी रह जा रहा है जो इतने मेहनत के बाद भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं? दोस्त, ये आराम से बैठ के विचार करने वाला, सोचने वाली बात है। भाई देखो, हम सबके पास ना एक दिन में 24 घंटा होता है, और इस 24 घंटे में से हमें कुछ टाइम ऐसा जरूर निकालना चाहिए जिस टाइम में हम अपने सारे एक्टिविटी को एनालाइज कर पाए, खुद को एनालाइज कर पाए और देखे ऐसा कौन सा हमारा एक्टिविटी है, ऐसा कौन सा हमारा इमोशन है, हमसे और क्या गलती हो रहा है जो हमें अपने गोल तक पहुंचने से हमें रोक रहा है। भाई, ढूंढने से ना भगवान भी मिल जाता है। यहाँ तो दोस्त हमारे प्रिपरेशन में छोटी सी कुछ कमी है जिसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्त, हमारा जो दूसरा हैबिट है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है, वो ये है कि एनालाइज योर सेल्फ। दोस्त, सोना को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम में, पानी को हम लोग मेजर करते हैं लीटर में, और लाइफ को हम लोग मेजर करते हैं टाइम में। आपने सुना होगा कि फलना के दादाजी 80 साल तक जिए, फलना का बेटा आज 22 साल का हो गया, मेरा दोस्त का आज 20वां जन्मदिन है, ऐसा आपने दोस्त सुना ही होगा। तो दोस्त, इसका क्या मतलब है? दोस्त, इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो अपने लाइफ का एक हिस्सा को हम लोग वेस्ट कर देते हैं। हम सबके पास जो टाइम है ना, वो लिमिटेड है। इसलिए ना दोस्त, हमें अपने टाइम को बहुत ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और दोस्त, इसके लिए ना हमें अपने टाइम को मैनेज करना होगा, हमें अपने हर काम का रूटीन बनाना होगा और उस रूटीन को फॉलो करना होगा। दोस्त, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, अगर हमें उनसे मिलना है तो उनसे हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तभी हम उनसे मिल सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन सभी लोगों के पास अपने काम करने का एक रूटीन होता है और उसी रूटीन को फॉलो करते हैं, और अपने इस रूटीन को फॉलो करके वो अपना टाइम को मैनेज करते हैं। दोस्त, इसी तरह हमें भी सक्सेसफुल होने के लिए अपने टाइम को मैनेज करना होगा। दोस्त, हम अपने काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम अपना रूटीन कैसे बना सकते हैं,
इन टॉपिक पे ना मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। और दोस्त इस वीडियो में ना मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो दोस्त इस वीडियो के बाद तुम उस वीडियो को ज़रूर देखना, और उस वीडियो को देखने के बाद ना तुम अपने टाइम को इजीली मैनेज कर पाओगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्त हम ना इंसान हैं और इंसानी दिमाग चीज़ों को भूलता है, इसीलिए ना दोस्त हम चीज़ों को पढ़ते जाते हैं और पिछला पढ़ा हुआ चीज़ भूलते जाते हैं। इससे बचने के लिए ना दोस्त हम जो पढ़ते हैं ना उसे हमें बार बार रीड करना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए। अगर दोस्त हम अपने पढ़े हुए चीज़ को बार बार रिवीजन करेंगे ना तो वो हमारा दिमाग के टेम्पोररी मेमोरी से हटकर परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है, और इसके कारण ना दोस्त आप जो पढ़ते हैं ना उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और इसीलिए दोस्त एज अ स्टूडेंट हमें रिवीजन का जो आदत है ना उसे अपने अंदर डेवलप करना होगा। इसलिए दोस्त हमारा जो चौथा हैबिट है ना वो रिवीजन का हैबिट है। दोस्त किसी भी गोल को पाने के लिए ना दिमाग का और शरीर का दोनों का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्त दोनों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका एक्सरसाइज है। और दोस्त जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा खून और ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर अंग तक बहुत ही अच्छे से पहुंचता है, जिसके कारण जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें मन लगता है, हमारा जो फोकस है ना वो इंक्रीज होता है। अगर दोस्त तुम स्टूडेंट हो या फिर किसी सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ना दोस्त एक्सरसाइज करना एक रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए दोस्त अपने गोल को अचीव करने का जो तुम्हारा ये जर्नी है ना उसमें तुम एक्सरसाइज को तुम जरूर इंक्लूड करो। इसलिए हमारा जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट है ना वो है एक्सरसाइज करना। मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि दोस्त तुम एक्सरसाइज जरूर करो, तुम्हें 2 से 3 दिन में ही ना फायदा दिखने लगेगा। दोस्त अभी मैंने तुम्हें 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में बताया जिसकी मदद से तुम अपना गोल को अचीव कर सकते हो, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। ये हैबिट्स हैं सपोर्ट योरसेल्फ, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो तुम खुद को सपोर्ट करो। एनालाइज योरसेल्फ, खुद को एनालाइज करो और देखो कि अपने गोल को अचीव करने में तुम ऐसा क्या गलती कर रहे हो और उस गलती को ढूंढकर उसे दूर करो। टाइम मैनेजमेंट, हम जो भी पढ़ते हैं उसे हमें बार बार रीड करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए और उसे बार बार रिवाइज करना चाहिए। 5th हैबिट जो हमें अपने लाइफ में अपनाना चाहिए, एक्सरसाइज। दोस्त अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा भी फायदा हुआ है ना तो इस वीडियो को तुम अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और दोस्त प्लीज़ इसे लाइक कर देना। और भाई इस चैनल में ना मैं इसी तरह के सेल्फ हेल्प के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो डालता रहता हूँ, और इसीलिए इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, और दोस्त स्टे ब्लेस्ड।